नमस्ते विद्यार्थियों जे के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज हम आठवीं कक्षा के इतिहास विषय के सातवें अध्याय जिसका नाम है ब्रिटिश काल में शिक्षा तो विद्यार्थियों इस सातवें अध्याय जिसका नाम है ब्रिटिश काल में शिक्षा इस पर मैंने चार वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ के समूचे कंटेंट प्रस्तुत करने का प्रयास किया तो चलिए बच्चों इस अध्याय के हम प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करते हैं तो विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ में पहले कुछ फिलिंदा द ब्लैंक्स वाले सवाल हैं कुछ संक्षिप्त उत्तर वाले सवाल हैं और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले हमारे समक्ष है रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि इन द ब्लैंक्स वाले सवाल तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं इसमें कुल छः सवाल हैं पहला सवाल है विलियम जॉन्स एक फिर है खाली स्थान थे तो विद्यार्थियों यहाँ होगा भाषाविद और कानून के ज्ञाता यानी कि विलियम जॉन्स एक भाषाविद और कानून के ज्ञाता थे अगला सवाल विद्यार्थियों लॉर्ड मेकाले खाली स्थान शिक्षा के पक्षधर थे यहाँ होगा लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे तीसरा यानी गौ नंबर सवाल है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी तो इसका उत्तर होगा विलियम जॉन्स इन्होंने सत्रह में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ते में की थी अगला घ नंबर में है वुड डिस्पैच किस वर्ष में यानी कि कौन से ईस्वी में जारी किया गया था इसका उत्तर है अठारह अगला सवाल है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी तो इसका उत्तर होगा गुरु रविंद्रनाथ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने या इनको हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कह सकते हैं और इसके बाद अंतिम सवाल विद्यार्थियों ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई से होती थी तो इसका उत्तर होगा ब्रेल लिपि से होती थी तो कुल छः हुए रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल अब चलिए हम लोग कुछ संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों को हल करते हैं तो इसमें क नंबर में है विलियम जॉन्स व कोलब्रुक भारत के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर क्यों देते थे विलियम जॉन्स और कोलब्रुक भारत के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर क्यों देते थे इसका उत्तर है विलियम जॉन्स और कोलब्रुक भारत की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे उनकी राय में भारत को समझने के लिए भारत के पवित्र कानूनी ग्रंथों साहित्य और अतीत के लुप्त वैभव को समझना जरूरी है उनका विश्वास था कि इस प्रकार के अध्ययन से अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति समझने में मदद मिलेगी और भारतीय लोग भी अपनी लुप्त विरासत से पुनः वाकिफ हो पाएंगे तो ठीक है विद्यार्थियों अब हम लोग अगले सवाल में बढ़ की ओर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कंपनी अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन क्यों देना चाहती थी सवाल आप ठीक से देखिए कंपनी अंग्रेजों को ध्यान दीजिए अंग्रेजों को ना कि भारतीयों को कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन क्यों देना चाहती थी तो इसका आप उत्तर देखिए विद्यार्थियों कंपनी के द्वारा यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देने के पीछे कई कारण थे पहला कारण है विद्यार्थियों कंपनी के अवसर यदि भारतीय ज्ञान और विधा से परिचित होंगे तो भारतीय लोग उनका अधिक से अधिक आदर करेंगे दूसरा प्राचीन भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देकर भारतीयों के और करीब आना संभव होगा और तीसरा विद्यार्थियों ऐसा करके भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव होगा तो समझे होंगे विद्यार्थियों हो। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं वुड के नीति पत्र में क्या प्रावधान थे यानी कि वुड वुड डिस्पैच जो है उसके उसमें कौन कौन से प्रोविज़न थे क्या प्रावधान थे तो चलिए इसे हम देखते हैं तो वुड डिस्पैच क्या है ये एक दस्तावेज है है ना तो चलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और जगत समझने पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इस दस्तावेज में यानी कि वुड डिस्पैच में यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था उसके मुताबिक यानी कि वुड डिस्पैच के मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझाने में मदद मिलेगी यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी कुल मिलाकर विद्यार्थियों याद रखिएगा कि अंग्रेज जो हैं वो व्यापारी थे और उनकी मानसिकता व्यापारियों वाली ही थी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे इस नीति पर यह भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे इससे कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी ठीक है विद्यार्थियों अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है अंग्रेजी भाषा को लेकर मेकौले के क्या विचार थे अंग्रेजी भाषा को लेकर मेकौले के क्या विचार थे तो इसको देखिए विद्यार्थियों ध्यान से लॉर्ड मेकॉले अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे मतलब ये हुआ कि लॉर्ड मेकॉले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के घोर पक्षधर थे ठीक है वे भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था मेकॉले के अनुसार पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी मैंने सारी नकारात्मक बातें हैं मेकौले का यहाँ कब तक कहना था यहाँ तक कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही यानी कि एक सेल्फ ही भारत और अरबों के समूचे देसी साहित्य के बराबर है ठीक है विद्यार्थियों आगे देखिए मेकौले की यह भी सोच थी कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोग उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ज्ञान विज्ञान की नई नई शाखाओं से जुड़ सकेंगे अंग्रेजी ज्ञान साहित्य दर्शन को भी समझ सकेंगे और वे सभ्य बन सकेंगे ठीक है विद्यार्थियों अब अगला सवाल है अंग्रेजों का सभ्यता मिशन क्या था अंग्रेज़ों का सभ्यता मिशन क्या था तो इसको देखिए विद्यार्थियों अंग्रेजों का सभ्यता मिशन है ना अंग्रेज केवल भारत के भू क्षेत्र पर विजय और आय में नियंत्रण ही नहीं चाहते थे उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है यानी कि वे सिर्फ जीत लेना चाहते थे भारतीय भूभाग को और सिर्फ इनकम पे अपना कंट्रोल ही नहीं करना चाहते थे बल्कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी था वे मानते थे कि उन्हें देश सभ्यता को सभ्य बनाना है देश समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है ठीक है अब हम लोग देखते हैं कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें है जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक क्यों थे तो कई बातों की चर्चा विद्यार्थियों हमने वीडियो के माध्यम से भी की है लेकिन यहाँ हम लोग सभी प्रश्नोत्तर पर फोकस कर रहे हैं तो चलिए सुनिए उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की घोर आलोचना करने लगे थे यानी कि शुरुआत में विद्यार्थियों विलियम जोन्स के द्वारा संस्कृत भाषा और भारतीय भाषा भाषाओं को लेकर जो कोशिश की जा रही थी और उस पर धन भी खर्च किया जा रहा था जिसको हम लोग प्राच्यवादी कहें तो उसका भी विरोध होने लगा है ना तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण यानी कि प्रैक्टिस ऑफ ओरिएंटलिज्म जो है उसकी आलोचना करने लगे थे उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और बिल्कुल अवैज्ञानिक है किनका कहना था जो प्राच्यवादियों के विरोधी थे उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगम्भीर बेकार और सतही है इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी फारसी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहिए ठीक है विद्यार्थियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है विद्यार्थियों गांधी जी क्या सोचते थे गांधी जी का क्या विचार था है ना अंग्रेजी शिक्षा के बारे में तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ है विद्यार्थियों गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपना ग़ुलाम बना दिया है महात्मा गांधी का कहना था पॉइंट वाइज है विद्यार्थियों महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो रहा है महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसमें विष भरा है यह पाप पूर्ण है इसने भारतीयों को दास बना दिया है इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे आगे विद्यार्थियों राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब गांधी जो है गांधी जी जब अपना आंदोलन चलाते थे तो उस वक्त उन्होंने विद्यार्थियों से आहवान किया कि वे शिक्षण संस्थाओं को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि वे गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं हैं महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है उसमें उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है एक महत्वपूर्ण तथ्य और है विद्यार्थियों गांधी जी का यह भी कहना था कि शिक्षा से उन इसका उनका मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को शिक्षा के माध्यम से सामने लाया जाए और यही शिक्षा का उद्देश्य है ठीक है विद्यार्थियों थोड़ा सा अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं अब हमारे सामने क्या सवाल है लॉर्ड मेकाले की नीति से आप किस हद तक सहमत हैं आप सहमत हैं भी या नहीं हैं तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं लॉर्ड मेकाले को हम भारतीय अक्सर गलत बातों के लिए याद करते हैं ये तो सही बात है पर कुछ अच्छा भी था उसमें ये बच्चों ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और यहाँ आप भी अपना व्यक्तिगत विचार दीजिएगा लॉर्ड मेकाले को हम भारतीय अक्सर गलत बातों के लिए याद करते हैं पर कुछ अच्छा भी था उसमें यह सच्चाई है कि लॉर्ड मेकाले द्वारा बनाई गई भारतीय दंड संहिता और भारतीय शिक्षा पद्धति को आज भी हम लोग लेकर चल रहे हैं मेकाले ने हमें अशिक्षित माना था पर यह भी तय है कि उसने हमें शिक्षित करने का ईमानदार प्रयास किया था ठीक है अंग्रेजी शिक्षा का ही परिणाम है कि आज भारत के लोग पूरे विश्व में अपनी धाक जमाए हुए हैं और अनेक देशों में उच्च से उच्च पद पर आसीन हैं विद्यार्थियों एक तथ्य जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जो भारतीय दंड संहिता है इंडियन पिनल कोड है जो कि जिसके आधार पर व्यक्तियों को अपराध करने पर सजा दी जाती है मनुष्यों को देश के नागरिकों को सजा दी जाती है उस दंड संहिता को बनाने के लिए लॉर्ड मेकाले तीन वर्ष तक तीन वर्षों तक अपनी लाइब्रेरी में बैठे रह गए थे कहने का मतलब कि बहुत कम समय वो किसी कारण से निकलते थे अन्यथा वो उस पिनल कोड को बनाने में जो दंड संहिता जो आज है उसको बनाने में उन्होंने अपने जीवन का तीन तीन महत्वपूर्ण वर्ष लगा दिया था तो ये कोई सामान्य बात नहीं है विद्यार्थियों अगला और अंतिम सवाल है एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा वर्तमान परिवेश में क्या होनी चाहिए तो इसका उत्तर होगा इस तरह से विद्यार्थियों एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा अधिक गतिशील लचीली रोजगारोन्मुख प्रासंगिक और समयोचित होनी चाहिए यानी कि गतिशील तो होना ही चाहिए लचीली होनी चाहिए यानी उसमें बदलाव करना संभव हो रोजगार उन्मुख होना चाहिए यानी कि उससे रोज़गार भी क्रिएट हो प्रासंगिक होना चाहिए और समय के अनुकूल होना चाहिए ठीक है इसके माध्यम से मजबूत नींव का निर्माण होना चाहिए उभरती तकनीक का उपयोग होना चाहिए चुनौतियों का सामना करने की योग्यता क्षमता आनी चाहिए बेहतर पाठ्यक्रम होना चाहिए साथ ही उच्च मूल्यांकन पद्धति होनी चाहिए तो इस प्रकार विद्यार्थियों इस सातवें चैप्टर के सभी प्रश्नों का हल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और आप खुद से भी प्रयास कीजिएगा कुछ अच्छी तरह से आपके मन में यदि विचार आते हैं तो आप अपने तरह से भी इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखिएगा ठीक है विद्यार्थियों जय हिंद जोहार